कि आज जो पृथ्वी में अनाज पैदा हो रहा है वो विषाक्त खाद उसमें डाली जा रही है, यूरिया आदि फर्टिलाइजर, इनको जब तक हम बंद नहीं करेंगे तब तक हम अपने बच्चों को स्वस्थ अन्न नहीं दे सकेंगे और उनके स्वास्थ्य को स्वस्थ नहीं रख सकेंगे। इसलिए जैविक खेती के ऊपर सभी संतों ने बल दिया और गौरक्षा के संदर्भ में सभी संतों ने यह निर्णय लिया और सभी हमारे भारतवर्ष की धर्मप्राण जनता को आदेश दिया कि हर एक गांव में एक एक गौशाला खोली जाए और सारे किसान मिलकर के संकल्प लें कि वो गायों को रखें और बुजुर्ग गायें जो होती है कोई भी होती है उन गौशाला में रखकर के उनकी सेवा की जाए। जिस प्रकार से हम अपने बुजुर्ग माँ बाप को आदरणीय मानकर उनकी सेवा और पूजा करते हैं उसी तरह से हम गौ माता की रक्षा करें और उनकी सेवा करें।